नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके ही अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दोस्तों। आगे एक एक करके सभी बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट से बेहद बड़ी खबर इस समय के सामने निकल के आ रही है। CAA मामले में 220 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 12 सितंबर को करेगा अहम सुनवाई। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA 2019 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए 12 सितंबर की तारीख तय कर दी है। इस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट के नेतृत्व वाली बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। इस मामले को लेकर के 220 याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है। यह मामला पिछले काफी लंबे समय से लंबित था। इस कानून के खिलाफ देश में बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी देखने को मिले थे। 15 दिसंबर 2019 से शाहीनबाग में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था जो कि करीब 100 दिनों तक चला था। प्रदर्शनकारियों का मानना था कि इस कानून में मुस्लिम समुदाय का जिक्र नहीं होने को लेकर के समुदाय के लोगों का मानना है कि इसका उनके खिलाफ दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही बताते चले, कोर्ट में दाखिल याचिका में संशोधित नागरिकता कानून को भारतीय संविधान का उल्लंघन करने वाला करार दिए जाने की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि CAA संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है क्योंकि यह केवल धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि 2019 में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर की तारीख तय की है CAA के मामले पर सुनवाई के लिए। इस समय की बड़ी खबर थी। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा 2024 में पश्चिम बंगाल से शुरू होगा खेला। हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव सहित सभी विपक्षी मिलकर के लड़ेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान सामने आया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ममता बनर्जी ने कहा है कि 2024 में हम लोग एक खेल खेलेंगे जो बंगाल से शुरू होगा। हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, मैं और अन्य साथी एक साथ होंगे, तब बीजेपी कैसे सरकार बना पाएगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार की जरूरत ही नहीं है देश को। मालूम हो कि विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में 11 विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार ने अपने दिल्ली दौरे के अंतिम दिन बीते बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि विपक्षी दलों से हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और वहीं TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी के बारे में भी नीतीश कुमार ने कहा था कि उनका फोन आया था। नीतीश के बयान के बाद अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी विपक्षी एकजुटता को लेकर के अपने पत्ते खोल दिए हैं। और वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं की एकजुटता का एक बड़ा मंच इस महीने की 25 तारीख को हरियाणा में सजेगा, जहां पर तमाम दिग्गज नेता एक रैली में जुटेंगे। इस रैली में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, चंद्रबाबू नायडू सहित अन्य विपक्षी दलों के नेता एक साथ मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। ये यहाँ पर खबर है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार बढ़ रही है आगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा में शामिल कार्यकर्ता और आम लोग तिरंगा लेकर के चल रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक यात्रा के दौरान रास्ते में मिलने वाले लोगों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि हर एक संस्था पर RSS और BJP का हमला हो रहा है और उन्हें लगता है कि वे भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। किसी भी कीमत पर हम देश को एकजुट रखने का काम करते हैं। इसके साथ ही बताते चलें, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। इस पद यात्रा को यहाँ पर लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। जिन रास्तों से यह यात्रा गुजर रही है वहां पर जन सैलाब देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा थामे राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते दिख रहे हैं।
ये यहाँ पर बड़ी खबर थी दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। आप लोग इस यात्रा का समर्थन करते हैं या नहीं, अपनी राय भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप लोग भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं तो एक प्यार भरा लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। एक और खबर बताते चलें, बीजेपी शासित उत्तराखंड में हलचल तेज देखने को मिल रही है। संकट में नजर आ रही है पुष्कर धामी की कुर्सी। पूर्व सीएम रावत की नड्डा के बाद मोदी से मुलाकात ने बढ़ाई है सरगर्मी। खबर बताते चलें, उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज है। चर्चा है कि एक के बाद एक भर्ती घोटालों के सामने आने के बाद सीएम पुष्कर धामी की कुर्सी पर तलवार लटक रही है। दरअसल सीएम धामी सरकार पर भ्रष्टाचार के लग रहे चौतरफा आरोपों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत देहरादून से लेकर दिल्ली तक सक्रिय हो गए हैं, जिसके बाद नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्य में उठ रहे सियासी बवंडरों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इससे पहले उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही यहां पर कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिल सकता है। एक और अपडेट बताते चलें, फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी में है किसान नेता राकेश टिकैत। किसानों से कहा ट्रैक्टरों में बम्पर लगवा करके उसे टैंक बनाएं। जी हां दोस्तों, क्या देश में एक बार फिर से किसी बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है? यह प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले सप्ताह अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले योगेंद्र यादव ने कहा था कि वह देश में कुछ आंदोलनों की भूमिका तैयार करने में जुटे हैं और अब किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि देश को किसान आंदोलन की तरह एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए। हम आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सहारनपुर जिले में चौरा खुर्द की महापंचायत को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एक और आंदोलन के लिए सभी को तैयार रहने के लिए कहा है। जल्द ही आंदोलन की तारीख और स्थान बता दिया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों को अपनी आवाज खुद ही उठानी होगी क्योंकि विपक्ष से उम्मीद करना बेईमानी है। राकेश टिकैत ने किसानों से कहा है कि वह अपने ट्रैक्टरों पर बम्पर लगवा लें ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें टैंकों के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, ये यहाँ पर कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, संविधान की उड़ रही हैं धज्जियां, खतरे में है लोकतंत्र। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया है क्यों जरूरी है भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दूसरे दिन भी लगातार जारी है। इस बीच यात्रा की नौबत क्यों आई, इसको लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक वीडियो जारी किया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कह रहे हैं कि आज मुल्क के अंदर जो माहौल है वो काफी चिंताजनक है। एक तरफ महंगाई बेरोजगारी की समस्या तो दूसरी तरफ धर्म जाति के नाम पर लोगों के बीच इतनी दूरी बन गई है। देश में तनाव का माहौल है वो देश हित में बिल्कुल भी नहीं है। अशोक गहलोत ने आगे कहा है कि चाहे परिवार हो, गांव हो, प्रदेश हो या देश हो, जहां शांति सद्भाव होता है वहीं पर विकास होता है। ये यहां पर कहना है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का। सीएम गहलोत ने आगे कहा है कि राहुल गांधी ने तय किया है कि ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जाए। रास्ते भर में शांति सद्भावना का संदेश देते हुए कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता चल रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा में कई लोग जुड़ते जाएंगे। ये यात्रा मोदी सरकार को संदेश देगी कि देश को एक रखना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। गहलोत ने कहा है कि आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और आज लोकतंत्र खतरे में है। आखिर में अशोक गहलोत ने कहा है कि एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए वतन। ये यहां पर कहना है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का। इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।